चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग और सरदेशमुखी में राजस्व का 10वां भाग वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो याद रखिए, मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। अगला है, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता था? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध का क्या महत्व था? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया कर लिया। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तिरुना बुक्कारासु नयनार अप्पार। अगला है, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित एक भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन है, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। अगला है, विजय नगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भूराजस्व। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो ये था ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला है, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला की। अगला है, 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया था? नासिर शाह ने। अगला है, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित बिस्तर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला है, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कोसम। अगला है, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मीजा राजा सबाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी व इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? जहांदार शाह ने। अगला है, रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। अगला है, दुर्गा राम मच्छा राम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक माना। 1844 ईस्वी में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यह था लॉर्ड कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। अगला इस क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जैन अवेस्ता। अगला है, चतुर्विस्ती षष्ठी संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को। अगला है, सूत ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? पौन भय भाव। अगला है,
1825 ईस्वी में किस पर्सियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया था? डेरियस फर्स्ट ने। अगला है, कुछ कुल 108 उपनिषद में से कितने वैदिक साहित्य का नाम माने जाते हैं? प्रथम 12 है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बौद्ध के समय अवंती जनपद का शासक कौन था? चंद्र प्रखोर महासेन। अगला है, चौबीसवें तीर्थकर महावीर का प्रतीक था सिंह। अगला है, 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया, किस सूफी संत को समर्पित अर्पित थी? कुबूब उद्दीन बख्तियार खिलजी। अगला है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मीब ताह उल फतेह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। अगला क्वेश्चन है, इटली की यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विभाग किया था? देव राय प्रथम के काल में। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? दूसरे गुरु गुरु गो गुरु अंगद ने। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सी हस्पा करता घुड़सवार दो से तीन घोड़ों वाले। अगला है, सिख के नेता वीरबद्दा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। अगला है, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्क्विस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड बेलेजली को। अगला है, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? कुषाण वंश का। अगला है, उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी थी? बाला थल। अगला है हमारा, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुड़ाली अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रीति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक। अगला है, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था जिसने एम्भाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के किस विख्यात शासक को आनंद भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्ण देव राय को। अगला है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मनपसंद प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया, खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में फांसी दे दी? जहांगीर ने। अगला है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कोई कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? थॉमस रो। अगला है, वह वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापति विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विवाह विक्रय असुर विवाह कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, गोपुरम किस वास्तुकला की श्रेणी की विशेषता है? चोल द्रविड़ की। अगला है, 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पालेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई? मुंशी सेगांव की संधि। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलवरनी किसके काल में भारत आया था? महमूद गजनवी के काल में। अगला क्वेश्चन है, हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। अगला, किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था?
इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? मराठों को। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था? पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? द्वार था कुतुब मीनार का। अगला है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से। अगला है, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। अगला है, तुझे के बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी लिखित है? तुर्की भाषा में।